इंदौर लॉकडाउन में मानव सेवा करने वालों को सलाम। अपनी जान जोखिम में डालकर लोग सेवा करने में डॉक्टरों और पुलिस नगर निगम कर्मियों की चाय पिलाकर सेवा करना भी मानव सेवा है। इंदौर के रावजी विहार थाने के सामने दूध का कारोबार करने वाले श्रीलाल अहिर, सीताराम अहिर और साउथ तोड़ा के उमर भाई और ऐसे कई लोग हैं। ये लोग रोज़ाना अपने दुकान और घर से चाय बनाकर चौराहे पर लगे हुए पुलिस वालों को चाय पिला रहे हैं। ये कर्म पिछले एक महीने से जारी है। बिना किसी लालच के ये लोग सेवा कर रहे हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस बात को ये लोग साबित कर रहे हैं। ये अंकित भैया ने पिलाई है, हमें चाय रोज पिलाते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है, जब से पिला रहा है, एक डेढ़ महीना हो गया है। और जब जितनी बार निकलते हैं उतनी बार चाय पिलाते हैं हमें। कुछ पैसे वगैरह लेते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी निःशुल्क पिलाते हैं ये, और सभी को पिलाते हैं सेवा भाव के हिसाब से। सेवा भाव के। अच्छा, जो लॉकडाउन में काम कर रहा है अपनी जान जोखिम में डाल काम कर रहा है, वहाँ पर कहीं दुकानें खुली रहती नहीं है, फिर भी इनकी तरफ से दूध चाय जो मांगते पिलाते हैं उनकी तरफ से। कब से पी रहे हैं आप और कब से कितने लोग? जब से लॉकडाउन लगा है, जब से हमारा हरिलाल जी हमारे को चाय पिला रहे हैं। इनकी दुकान हमारे थाने के सामने है। टाइम हमें अभी डेली लॉकडाउन जब से लगा है, जब से तीन टाइम हमें चाय दे रहे हैं। और हमें जो भी अन्य सामानों की जरूरत पड़ती है, कभी हमारे को लिए खाना भी ले आते हैं, कभी मतलब हमारा जो हमको कमी होती है हमारे को कमी पूरी हमारी करते हैं। सर, ये है कि जैसा प्रशासन बड़ा ही मेहनत कर रहा है लोगों को बचाने के लिए, प्रशासन हुक्म दे रहा है कि घर में अपने बैठो, इसी को देखते हुए हमें भी कुछ दिल में ख्याल आया कि हम भी प्रशासन की कुछ सेवा करें। तो हमने चाहा कि चाय प्रशासन को दी जाए, पुलिस वाले हैं, नगर निगम वाले हैं, उनकी भी सेवा हमने करने का सोचा है और ये हम कर रहे हैं। ये कब तक जारी रहेगा? जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक ये सेवा जिस तरह से हमसे बनेगी हम करते रहेंगे, प्रशासन की, नगर निगम की और जो भी अधिकारी हैं सबकी हम सेवा करते रहेंगे। वो देखा मैंने एक बार लोगों का यार के जब जवानों को चाय पिलाई थी तो वो खुश हुए थे। हाँ। कि आपने कहीं चाय मिल नहीं रही है और आपने चाय पी ली, तो उसकी खुशी में भी अपनी खुशी है। हाँ। और इस खुशी के हिसाब से मैंने वो निर्णय ले लिया कि यहाँ से ठीक मरी माता तक ये जितने भी जवान पुलिसकर्मी अपने नगर निगम सफाई कर्मी नगर निगम अधिकारी सबको मैं चाय पिलाना प्रारंभ कर दिया। बस ऐसे आ गई थी, मालिक दे रहा है, अपन ने थोड़ा बहुत दूध बेचते हैं उसमें से थोड़ा 10 लीटर दूध रखते हैं, 10 लीटर दूध की अपन ने नियम बना रखा है, 10 लीटर दूध की इनको डेली चाय पिलाना है। ये आपके आपकी तरफ से पिला रहे हैं? हाँ, मेरी तरफ से ही। हमारा ऊपर कोई किसी का शासन प्रशासन की तरफ से कुछ सेवा के हिसाब से, बस मानव सेवा के हिसाब से हमने जो संकल्प ले लिया। मैं चलो कुछ हमें मिल नहीं रही ना चाय, कई दुकानें खुली नहीं है, चाय के लिए भटकते हैं, तो शाम सुबह दोनों टाइम अपन दोपहर में 3 टाइम चाय पिला देते ताकि उनका ऊर्जा मिलते। हाँ, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही ये इनका दूध का व्यवसाय है। और जब ये दूध का जिस समय 2 घंटे खुलता है और उस समय अपना दूध जो है जा कर के फेरी से बिकवाते हैं ये, और बचे हुए दूध का पुलिस को, नगर निगम या नगर अच्छा समिति जो ड्यूटी कर रहे हैं, ये केवल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चाय उपलब्ध कराते हैं। करीब करीब दिन में 2 या 3 बार ये 3 बार तक चाय पिलाते हैं और अच्छी सेवा कर रहे हैं, पूरा सैनिटाइजर से और उससे अपना एहतियात भी पूरी बरत रहे हैं वो, और बाकी किसी को बिक्री वगैरह नहीं करते हैं। केवल ड्यूटी पर जो लोग होते हैं और उस समय वो चाय पिलाते हैं।